लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई है। अपने बयानों में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर चुनाव आयोग अब एक्शन मोड पर आ गया है। आयोग ने भाजपा और कांग्रेस को नोटिस जारी करके 19 अप्रैल को सुबह 11 बजे तक जवाब मांगा है। चुनाव आयोग ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 77 को लागू किया है और पार्टी अध्यक्षों को जिम्मेदार ठहराया है। इसके तहत पहले कदम के रूप में प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघनों के आरोप का जवाब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मांगा गया है। इसमें उनसे कहा गया है कि वो 29 अप्रैल तक जवाब दे और अपने स्टार प्रचारकों को आचार संहिता का पालन करने के लिए कहे। आयोग ने कहा है कि राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों विशेषकर स्टार प्रचारकों के आचरण के प्राथमिक और बढ़ती जिम्मेदारी लेनी होगी। उच्च पदों पर बैठे लोगों के प्रचार भाषणों को अधिक गंभीर परिणाम होते हैं। इनसे कहा गया है कि स्टार प्रचारकों को अपने जरिए दिए जाने वाले भाषणों के लिए खुद तो जिम्मेदार होना ही होगा, मगर विवादित भाषणों के मामले में चुनाव आयोग पार्टी के प्रमुखों से हर मामले पर जवाब मांगेगा। दरअसल बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे के नेताओं पर धर्म, जाति, समुदाय और भाषा के आधार पर नफरत और विभाजन फैलाने का आरोप लगाया था। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांसवाड़ा में दिए गए बयान को लेकर शिकायत की थी। पीएम मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि कांग्रेस लोगों की संपत्ति का सर्वे करके घुसपैठियों में बांटने वाली है। पीएम मोदी ने कहा था कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखा है कि सरकार बनने पर मां बहनों के गोल्ड का हिसाब करेंगे, उसकी जानकारी लेंगे और फिर बांट देंगे। पीएम मोदी की इस टिप्पणी को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आचार संहिता का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया था। वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी पर अपनी रैलियों में भाषा और शब्दों के इस्तेमाल को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने तमिलनाडु में भाषा के आधार पर लोगों के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश की है। बीजेपी नेताओं ने दावा किया था कि राहुल गांधी अपने भाषणों में भाषा के आधार पर उत्तर और दक्षिण भारत को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी लिखित शिकायत में भाजपा ने राहुल गांधी पर कठोर कार्रवाई की मांग भी की थी। दोनों ही दलों की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने एक्शन लिया और 29 अप्रैल तक अब जवाब मांगा है। अब देखना होगा ये कांग्रेस और भाजपा अध्यक्ष चुनाव आयोग के नोटिस का क्या जवाब देते हैं और आयोग इन जवाबों से कितना संतुष्ट होता है। स्पेशल रिपोर्ट पत्रिका।